हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। तो ये एक थियोरेटिकल वीडियो होने वाला है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। रिपेयरिंग करने से पहले हमें कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए ताकि हम पार्ट के बर्बाद होने से लॉस से बच सके। इस बार एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि अल्ट्रा स्लिम टीवी में बार बार वर्टिकलाइज का उड़ जाना होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सैमसंग अल्ट्रा स्लिम टीवी वर्टिकलाइज इज सेटिंग फ्रीक्वेंटली। इसका डायग्नोसिस रिपेयर हम एक वर्टिकलाइज बार बार ख़राब करने से पहले कुछ हमें पार्ट्स चेक कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। वर्टिकल आईसी दो तरीके के पावर सप्लाई से चलता है, एक होता है स्प्लिट वाला और दूसरा है डायरेक्ट वाला पावर सप्लाई, यानी कि एक होता है पॉजिटिव 28 वोल्ट और दूसरा है ग्राउंड। अगर आप उसको स्प्लिट करेंगे, एक होता है पॉजिटिव 14 वोल्ट और एक होता है नेगेटिव 14 वोल्ट, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे पास आईसी का डायग्राम है, देख सकते हैं यहाँ पे LA78040, ये दोस्तों सेम होता है 78141 और 78045, ये सारे इवोल्यूशन है। तो सारे आईसी उसके पिन डायग्राम सेम है, जिसके आप देख सकते हैं उसके दो नंबर पिन होता है आपका VCC 24 to 28 वोल्ट। अगर आप 24 वोल्ट सप्लाई देंगे तो उसके फोर नंबर पिन को आपको ग्राउंड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव 14 देंगे तो फोर नंबर पिन का कोई नेगेटिव 14 सप्लाई देना पड़ेगा। तो दो तरीके के पावर सप्लाई के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा टू नंबर पिन पे अगर आपका पॉजिटिव 14 है तो फोर नंबर पिन में नेगेटिव 14 होना चाहिए। 14 to 16 वेरी करता है सेट्स के ऊपर। अगर आपका 24 to 28 वोल्ट टू नंबर पिन पे है तो फोर नंबर पिन में ऑब्वियसली ग्राउंड यानी कि 0 वोल्ट आएगा। उस हिसाब से आपको एक ऑक्सिलरी डायोड भी होता है 2 से 3 नंबर के पिन पे, इसको दिया जाता है एक सेपरेटली। 3 नंबर पिन का एक बायस होता है, उसके हिसाब से दिया जाता है एक डायोड दिया के, यानी कि यहाँ पे भी 14 13 या फिर अगर 24 हो तो वही 24 25 ऐसा दिखाई देता है। तो इस डायोड को आपको चेक करना है। उस डायोड के साथ कैपेसिटर 3 नंबर पिन के होता है, तो उस कैपेसिटर अगर ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस करना है, या डायोड अगर शॉर्ट हो गया है तो भी ख़राब होगा। ये शायद ओपन होता है, शॉर्ट नहीं होता है। ये हो गया हमारा सप्लाई का पार्ट, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है क्या चेक कॉम्प्लीमेंटरी डायोड सेट कैपेसिटर में चेक कर लिया। उसके बाद चेक नॉन गुड आईसी, टेक ए नॉन गुड आईसी वर्टिकल आईसी। आपको जो भी लेना है, कोई भी खराब नहीं लेना है, मार्केट से अच्छा वाला सबसे पहले लेना है। मतलब वो काम करना चाहिए, डुप्लीकेट या फिर कोई भी खराब हुआ पार्ट आपको नहीं लेना है। उसके बाद सबसे मेन है योक को आपको चेक करना है, जो कि सबसे मेन रीजन है कटने का। देखिए योक में वर्टिकल के लिए दो कॉइल होता है, ऊपर और नीचे कॉइल होता है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ योक। मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल का दो कॉइल है, ये दो तरीके से कनेक्ट होता है, या फिर सीरीज में होगा या फिर पैरेलल में होगा। तो आप समझ सकते हैं ज़्यादातर ये कॉइल में एक कॉइल का अगर हम सेपरेटली उसका मतलब मल्टीमीटर में उसका रेजिस्टेंस चेक करें तो ज़्यादातर 14 ओम्स का रेजिस्टेंस आता है एक कॉइल का। दूसरा कॉइल का भी वही सेम 14 ओम्स रेजिस्टेंस आता है। तो अगर हम पॉजिटिव रेजिस्टेंस को चेक करें, अगर हम इसको सीरीज में करें तो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस हमारा 28 ओम्स होगा, उसके आसपास 26 24 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो इतना में तो होना ही चाहिए। अगर वो पैरेलल में हो तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू 7 ओम्स होना चाहिए, या फिर उसके आसपास 6 ओम्स 7 ओम्स 8 ओम्स ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। अगर ये दो वैल्यू से हमको कुछ भी मतलब अबनॉर्मल दिख रहा है, यानी कि 7 ओम्स के जगह 14 ओम्स दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या सोचेंगे ये भाई तो पैरेलल में कनेक्शन है तो उसके से 14 ओम्स दिखाई देगा, इसलिए 7 to 8 ओम्स ही दिखाना चाहिए ना। अगर 28 ओम्स ना दिखा तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है तो ये ख़राब हो चुका है, तो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अल्ट्रा स्लिम का योक मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो आप कोशिश करें उसको रिवाइंड एंड रिपेयर करने की कोशिश हमेशा कीजिए, अगर हो जाए तो ठीक है। उसके बाद हम सर्किट देखेंगे, सर्किट में चेक हम क्या क्या करेंगे। सर्किट में देखिए हमने देख लिया ये योक का पार्ट है,
ठीक है, योग के पैरेलल में एक 330 ओम्स का रजिस्टर होता है और एक 0.1 माइक्रोफैरड का पीएफ होता है। ये अगर शॉर्ट हो जाए तो वर्टिकल एज बार बार कटेगा, ये पार्ट अगर शॉर्ट हो जाए तो वर्टिकल एज बार बार कटेगा, क्योंकि ये रजिस्टेंस 1 ओम का देकर ग्राउंड में किया जाता है। अगर ये भी अब शॉर्ट हो गया तो ये 5 नंबर पिन डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि आपका वर्टिकल एज उड़ जाएगा। और एक होता है 7 नंबर पिन का, वो है उसका 2.5 कटऑफ वोल्टेज। कटऑफ वोल्टेज बनाने के लिए ये तो 5 वोल्ट का सप्लाई या 8 वोल्ट का सप्लाई को रजिस्टर में भर देकर 10 के ग्राउंड और 10 का सप्लाई, 7 वोल्ट का कट ऑफ वोल्टेज जैसा यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज 2.5 है। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज खराब होने पर ऐसे नहीं करता है और आपका पिक्चर में फर्क पड़ता है। ठीक है, और आप देखेंगे ऐसे से जो टिकल का सिग्नल आता है वो 10 किलो ओम देकर आता है। अगर ये सिग्नल भी अगर डायरेक्ट हो गया मतलब ऐसे खराब हो गया तो वोल्टिक ऐसे को काट देगा, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है। आपको मेन चीज़ रखना है ये सप्लाई वोल्टेज चेक करना है, ये 100 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर वाला सेक्शन आपको चेक करना है और ये योग सेक्शन चेक करना है। इतना आप देखिए आपका गारंटी ऐसे आपका बार बार नहीं कटेगा, ये ऐसे आपका ठीक चलेगा। ये सेट सैमसंग का नहीं, ये सब सेट के लिए है। और एक बात, आप सब लोग कंप्लेन करेंगे कि भाई सैमसंग का अल्ट्रा स्लिम का टीवी का ऐसी ओवरहीट क्यों होता है, तो देखिए ओवरहीट होना कोई मतलब ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ओवरहीट क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्ट्रा स्लिम का कॉइल वो एल्युमिनियम वाइंडिंग होता है और बहुत ही मतलब उसका जो क्या है मतलब बहुत ही बेकार उसका ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जैसे फ्लैट वाला योक होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हम क्या सोल्यूशन लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप एक्स्ट्रा हीट सिंक दे सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा हीट से उसका हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो ये क्यों हुआ ना, कंपनी उसके योग के हिसाब से उसको एक अच्छा वर्टिकल आईसी बनाना चाहिए था जो कि वो नहीं बना है, उसको से मार्केट में एलसीडी से पहले वो छोड़ दिया है, ताकि उसका मतलब कुछ लोग अफोर्ड कर सके और कुछ इस हिसाब से बनाया गया है। अगर वो उसको अच्छे से डिजाइन किया होता योग को, यानी कि कुछ अच्छे इंजीनियर को लगा के अच्छे से डिजाइन किया होता तो ये भी चल जाता, पर उस योग के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज नहीं बना है, ये हीट होगा तो ये फुल्ली नॉर्मल है। वर्टिकलाइज का हीट होना फुल्ली नॉर्मल है। अगर आपका स्क्रीन में सही पिक्चर आ गया है तो वो ठीक है, उसके हिसाब से कोई बात नहीं, आप उसको एक्स्ट्रा हीट से लगा के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इतना ही था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, फीडबैक मिल जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।